हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वॉचिंग मी इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने वाले हैं वो गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गवर्निंग क्या होता है उसको हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सो गवर्निंग होता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टर्बाइन होता है वो देखो सबसे पहले गवर्निंग क्या है उसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, फिर बाद में पूरा डिटेल में चलेंगे। तो अभी आपका जो टर्बाइन होता है इट इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन। सो टर्बाइन के साथ रखा हुआ आता है जनरेटर। सो टर्बाइन को कपल किया होता है जनरेटर के साथ। जो टर्बाइन की स्पीड है वो आपको मिलेगी जनरेटर की स्पीड को। अब जनरेटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जब जनरेटर की स्पीड तभी कांस्टेंट होगी जब टर्बाइन की स्पीड कांस्टेंट होगी। सो कभी कभी क्या होता है जब लोड में फ्लक्चुएशन आता है तो उसकी वजह से टर्बाइन की स्पीड में भी फ्लक्चुएशन आता है, तो वो जो स्पीड कांस्टेंट टर्बाइन की रहनी चाहिए वो रहती नहीं है। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि जिसकी मदद से इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर दी लोड कंडीशन, लोड चाहे ज़्यादा हो या फिर लोड चाहे कम हो, कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाए कि जैसे एट एनी कंडीशन योर स्पीड ऑफ द टर्बाइन विल बी कांस्टेंट, तो उस मेथड को हम वो बोला जाता है गवर्निंग। सो गवर्निंग का पर्पज होता है टू कीप द टर्बाइन स्पीड कॉन्स्टेंट। तो कैसे किया जाता है उसको हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके की पूरी अरेंजमेंट यहाँ पे रखी हुई है। सो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ऑयल सम्प है जहाँ पे ऑयल रखा हुआ होता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर ये जो है वो गवर्नर है। तो एक सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर हमने सारे मैकेनिकल वालों ने हमने पढ़ा हुआ है ईएमई के अंदर। तो ये गवर्नर है, गवर्नर के साथ ये फ्लाईबोर्स लगे हुए है। अब देखो गवर्नर है वो कपल है टर्बाइन की मेन शाफ्ट के साथ, ठीक है। सो टर्बाइन की जो भी स्पीड होगी उसका इफेक्ट डायरेक्टली गवर्नर को लगने वाला है। अब ये गवर्नर है ये उसका एक स्लीव है, आप यहाँ देखो ये पूरा स्लीव है, उसको कनेक्ट किया हुआ है लीवर के थ्रू। ये आप यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट देखो, ये वाल्व V1 है, वाल्व V2 है। तो ये वाल्व है उसको कनेक्ट किया हुआ है पिस्टन रोड ऑफ कंट्रोल। ये तो ये वाल्व कनेक्टेड पिस्टन रोड से, और ये पिस्टन रोड किसके साथ कनेक्ट, ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा पिस्टन रोड स्लीव के साथ कनेक्टेड है, और बीच में रखा गया फल्क्रम। सो वो लीवर के थ्रू अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, लीवर के थ्रू अप एंड डाउन मूवमेंट होने वाला है। कैसे होने वाला है वो हम बाद में देखेंगे। फिर ये आप देख रहे हो कि ये है नोजल के जहाँ से हम वाटर का फ्लो भेज रहे हैं टर्बाइन को, और ये स्पीयर है जो वाटर का फ्लो रेगुलेट करने के लिए होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये है सर्वो मोटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पूरी चीज़ कैसे काम करती है। तो जब भी आप पहली कंडीशन, इसमें दो कंडीशन होगी, एक जब लोड ज़्यादा हो तब क्या होता है, लोड कम हो तब क्या होता है। मान लो इनिशियल कंडीशन ऐसी है कि टर्बाइन के ऊपर जो लोड है वो कम हो गया। अब टर्बाइन के ऊपर लोड है वो कम हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, टर्बाइन की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अभी लोड कम है। जब लोड कम हो जाता है रेगुलर लोड से, तो लोड कम हो जाता है टर्बाइन की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। अब टर्बाइन की स्पीड बढ़ेगी तो आप यहाँ से देखिए, ये पूरे जो आपके गवर्नर है वहाँ पे ये लगा हुआ है फ्लाईबोल, तो फ्लाईबोल भी रोटेट करने लगेंगे फास्ट स्पीड से क्योंकि लोड कम हो गया है टर्बाइन की स्पीड बढ़ गई है। सो ये जो आपके फ्लाईबोल्स है वो क्या करेंगे, फास्ट मूवमेंट करने लगे। तो इससे होगा क्या कि ये जो आपकी स्लीव यहाँ पे रखी हुई है वो अपर डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जब स्लीव अपर डायरेक्शन में जाएगी तो ये आप देखो लीवर, लीवर के साथ हमने रखा है पिस्टन रोड, तो ये जो पिस्टन रोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा थ्रू फल्क्रम। सो ये जो पूरा पिस्टन रोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है, इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो ये आप जो पूरा देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका जो पूरा का पूरा ये लीवर है वो लीवर अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो होगा क्या कि ये पिस्टन रोड है, पिस्टन रोड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे होगा क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वाल V1 नीचे क्लोज हो जाएगा और वाल V2 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, वाल V2 आपका हो जाएगा ओपन। अब वाल V2 ओपन हो जाएगा तो होगा क्या कि ये जो ऑयल पंप है वो ऑयल सम्प से ऑयल खींचेगा और ऑयल खींचेगा और ये वाल V2 खुल गया है तो इसके थ्रू पूरा का पूरा ये अंदर आएगा। जब ये अंदर आएगा तो ये आप देख रहे हो कि नीचे यहाँ पे रिले सिलेंडर यानी सर्वो मोटर, तो सिलेंडर की दो साइड है ए और बी। तो क्या करेगा, ऑयल ए के अंदर आएगा तो पुश करेगा ए तरफ से, तो ये पुश करेगा तो ये आपका जो पूरा का पूरा स्पीयर है बाहर की तरफ निकलेगा। जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो होगा क्या, ये आपका जो एरिया है वो कम कर देगा, नोजल के थ्रू जो एरिया है वो कम कर देगा। तो वाटर जो जा रहा है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाटर जो जा रहा है वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड बढ़ गई है वो भी आफ्टर सम टाइम नॉर्मल जो होनी चाहिए वो हो जाएगी। और जब वाटर, जब टर्बाइन की स्पीड नॉर्मल हो जाएगी तब पूरी की पूरी चीज अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन वो है कि जब लोड बढ़ जाता है, तो जब लोड बढ़ जाए तब क्या करना है वो हम देखेंगे, ठीक है।
तो लोड बढ़ जाए तब हमें क्या करना है? तो जब लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा हम वो देखते हैं। तो हम मान लो कि टर्बाइन के ऊपर लोड है वो बढ़ गया है, तो टर्बाइन के ऊपर लोड बढ़ गया है तो उसका मतलब क्या होगा? टर्बाइन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब टर्बाइन की स्पीड कम हो गई तो होगा क्या? तो जब टर्बाइन की स्पीड कम हो जाएगी तो ये जो गवर्नर है जो टर्बाइन के साथ कनेक्ट करा हुआ है उसकी भी स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम। तो गवर्नर के साथ देखो ये फ्लाई बोल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो पूरे के पूरे फ्लाई बोल्स है ये वन और टू, ये दूसरा फ्लाई बोल्स, तो वो भी क्या हो जाएगा? उसका रोटेशन कम हो जाएगा। तो ये आपके जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये आपको स्लीव दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, ये स्लीव है, ये जो स्लीव आपको दिखा हुआ है पूरे ड्रॉइंग के अंदर, वो कहाँ चला जाएगा? वो जाएगा डाउनवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? वो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब स्लीव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपका जो ये फलक्रम लीवर के साथ, ये फलक्रम के थ्रू, ये आप जो यहाँ पे देख रहे हो पूरा पिस्टन रोड ऑफ कंट्रोल वाल्व, उसका क्या होगा? तो ये पिस्टन रोड ऑफ कंट्रोल वाल्व कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? वो जाएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि आपका जो ये वाल V2 है वो क्लोज हो जाएगा और वाल V1 है वो कैसा हो जाएगा? ओपन। तब होगा क्या कि ऑयल पंप के थ्रू ऑयल सम से पूरा का पूरा ऑयल वाल V1 में से होके यहाँ पे आएगा B के पास। तो B के पास आएगा तो कहाँ पे मूव करेगा? लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा ऑयल। तो लेफ्ट साइड जब फोर्स लगाएगा ऑयल तो ये क्या होगा? आपका जो ये स्पीयर है वो किस तरीके से पीछे हट जाएगा। जब स्पीयर पीछे हट जाएगा तो एरिया ज़्यादा खुल जाएगा वाटर को जाने के लिए नोजल में से। तो ऑटोमेटिकली जब वाटर ज़्यादा जाएगा तो आपकी टर्बाइन की स्पीड वो बढ़ जाएगी और अगेन जो नॉर्मल कंडीशन में है वहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से जब लोड बढ़ता है या फिर कम होता है तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो आपका अरेंजमेंट है वो इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।